Very good morning, my all dear students. How are you? I hope that you all are very happy, very fine, and fantastic. Nowadays, you all are living at home. आजकल आप सभी अपने घर पर रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, क्योंकि अभी के समय जो देश में लॉकडाउन जो लगा है, जो हुआ है, इसी के कारण हम सभी घर में रह रहे हैं। लेकिन सबसे खुशी की बात है कि आप सभी घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को पर ध्यान दे रहे हैं, समय निकाल रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आप लोगों को एक विचार के साथ, आप लोगों को नए टॉपिक के साथ, नए विचार के साथ स्टार्ट करता हूं। नए टॉपिक की शुरुआत मैं एक नए विचार के साथ करना चाहता हूं। तो मेरा विचार है आज का, ये सुनिए, इसके बाद मैं आप लोगों का आपके अकॉर्डिंग यूं ही दिन भर सोया ना कीजिए, यूं ही दिन भर सोया ना कीजिए, यूं ही दिन भर समय बर्बाद किया ना कीजिए, कभी कभी समय निकाल कर कुछ पढ़ा कीजिए। यूं ही दिन भर सोया ना कीजिए, कभी कभी समय निकाल कर कुछ पढ़ा कीजिए, कभी वह जिंदगी की गजल को समझने की कोशिश कीजिए, कभी वह जिंदगी की गजल को समझने की कोशिश कीजिए, और अपने जीवन में कभी कभी समय निकाल कर कुछ पढ़ा कीजिए। धन्यवाद। लोग अपने समय निकाल कर कुछ जरूर पढ़िए, समय का यूज कीजिए, ये नहीं कि दिन भर सोए रहे, समय टाइम पास करते रहे। टाइम पास करना बहुत आसान है। देखिए अभी घर में रहेंगे तो अनुभव क्यों होंगे कि सब कुछ आपको पूरा हो सकता था, खाने पीने के लिए सब पूरा कर सकते हैं, लेकिन नींद एक ऐसा चीज है जो अभी तक पूरा नहीं होता होगा। लगता होगा कि आज भी सो लूं, पूरा दिन भर सो लूं, रात में सो लूं, पूरा मन भर सो लूं, फिर भी वो पूरा नहीं होता है। तो जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है तो आलस है। आलस कीजिए लेकिन आलस आलस में कीजिए, आलस कीजिए लेकिन आलस होने में कीजिए, आलस मत। आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट का चैप्टर वन का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, और आप लोगों को सेकेंड क्लास में देखते हैं आप लोगों का आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो ध्यान से देखिए और अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को मेंशन कीजिए और पढ़ाई कीजिए, समझिए किसी प्रकार। वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल इन सेकेंड क्लास ऑफ कंप्यूटर फॉर थर्ड क्लास स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। कहने का मतलब है कि मैं पिछले बार आप लोगों को बताया था, अगले क्लास में मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर बताऊंगा। तो चलिए आज आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर बताता हूं। तो बताने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि आपके बुक में ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो ये रहा है आपका क्लास थ्री का बुक, आप देख पा रहे हैं क्लास थ्री का ये बुक है टूडेज कंप्यूटर। और आप लोगों को चैप्टर वन में पिछले बार मैं लास्ट डिस्कस किए थे प्रिंटर के बारे में, तो आज मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ प्रिंटर के बाद आप लोगों को पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये देखिए पांच पॉइंट है, पांच पॉइंट के बारे में डिस्कस करना है, और इसके बाद आप लोगों को एक टॉपिक है व्हाई डू वी यूज कंप्यूटर। तो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर में ही आता है, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर में ही आता है, विशेषता में आता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं आज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर में, सबसे पहले क्या जानना है। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विशेषता क्या है। द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक मेक द कंप्यूटर कैपेबल। कहने का मतलब है कि नीचे दिए हुए जितने भी बात जो लिखा हुआ है, जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कंप्यूटर को कैपेबल बनाता है, सक्षम बनाता है, योग्य बनाता है। तो देखते हैं कंप्यूटर का चरित्र क्या है और किस कारण से कंप्यूटर एक योग्य बनता है और कंप्यूटर बनता है। तो सबसे पहला होता है स्पीड। कंप्यूटर में स्पीड होता है और स्पीड से रिलेटेड दो पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है कि कंप्यूटर आर वेरी फास्ट। कहने का मतलब है कंप्यूटर बहुत फास्ट काम होता है, इसलिए यह स्पीड से जुड़ा हुआ पॉइंट है। अगला पॉइंट देखते हैं स्पीड से जुड़ा हुआ पॉइंट क्या होता है। तो कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में हम लोग एक काम अच्छे से कर भी नहीं पाते हैं लगभग, लेकिन कंप्यूटर जो है बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मतलब कहने का मतलब है एक सेकेंड में बिलियन इंस्ट्रक्शन, बिलियन निर्देश का पालन करता है, इसलिए कंप्यूटर का ये कैरेक्टरिस्टिक में जुड़ा हुआ है स्पीड। हम लोग साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, लेकिन उससे भी ये फास्ट काम करता है। हम लोग साइकिल चलाते हैं तो 5 मिनट 10 मिनट अपने स्कूल में आने में, अपनी जगह पर एक स्थान से दूसरे पर घर जाने में लगता है, लेकिन कंप्यूटर जो है मिलियन बिलियन जो इंस्ट्रक्शन जो है पर सेकेंड में काम करता है। तो ये था पहला कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक का विशेषता का, कैरेक्टरिस्टिक का विशेषता स्पीड। अगला होता है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या है, स्टोरेज से रिलेटेड दो पॉइंट होते हैं, देखते हैं अगला क्या है।
तो स्टोरेज का पहला पॉइंट होता है कि कंप्यूटर कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज। हम लोग खाना खाते हैं डेली पचा देते हैं, पाचन हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा चीज है जो किसी भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक स्टोर करके रखता है। स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य में यूज करने के लिए। हम लोग भविष्य में ही खाना खाने के लिए बनाना पड़ता है, लेकिन कंप्यूटर उसको स्टोर करके रखता है। तो ये कंप्यूटर का विशेषता है। अगला विशेषता देखिए स्टोरेज से क्या होता है। कंप्यूटर कैन रिकॉल द स्टोर डेटा एनी टाइम एनीवेयर। कहने का मतलब है कंप्यूटर जो डेटा या इंफॉर्मेशन को लेता है वो कभी भी किसी समय और कहीं भी वो दिखा देता है। और हम लोग जो भी खाना खाते हैं, आज खाए कल नहीं देख सकते, कल खत्म, डाइजेस्ट हो गया। लेकिन कंप्यूटर का खासियत है कि आज जो हम लोग पढ़े लिखे जो इनपुट दिए हैं वो कल नहीं 10 दिन बाद 10 वर्षों बाद भी दिखा सकता है। तो ये कंप्यूटर का खासियत है और विशेषता है। अब अगला देखते हैं, ये तो स्टोरेज हो गया और स्पीड के बारे में जान गया। अब अगला देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? शुद्धता। शुद्धता देखते हैं कितने परसेंट ये सही काम करता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। ये बहुत सही सही काम करता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, गलती हम ही लोग से होता है। अगर हम लोग गलत इनपुट देंगे तो ये गलत जवाब देगा, आउटपुट गलत देगा। इसलिए कंप्यूटर कभी गलत नहीं करता है। इसलिए पहला पॉइंट इसका बनता है कंप्यूटर्स आर वेरी एक्यूरेट। ये बहुत शुद्धतापूर्वक सही सही काम करता है। अगला होता है कि कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक। अभी ने बताया मैंने कि कंप्यूटर कभी गलत काम नहीं करता है। जब तक इसको इनपुट गलत नहीं मिलेगा तब तक ये गलत काम नहीं करेगा। अगर हम लोग दो दो बोलेंगे तो ये पांच नहीं बताएगा, दो दो चार ही बताएगा। लेकिन हम लोग अगर बोलते हैं कि दो दो पांच होता है तो ये हम लोग का गलती है। तो कंप्यूटर ऐसा कभी नहीं बताता है। तो कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, कभी गलत नहीं बताएगा, बल्कि हमें जैसा इनपुट देंगे वैसा आउटपुट देता है। अगला पॉइंट होता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी कहने का मतलब हुआ कि ये इसका क्षमता। तो देखिए क्षमता इसका क्या है, कितना योग्यता है। तो कंप्यूटर इज अ मल्टीपर्पज मशीन। एक काम नहीं करता, बहुत कामों करने का ये क्षमता रखता है। ऑनलाइन काम करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, गेम खेल लेते हैं, म्यूजिक भी कर लेते हैं, वीडियो भी देख लेते हैं, कार्टून भी देख लेते हैं। तो बहुत सारे मल्टीपर्पज मशीन है, ये बहुत सारे कामों को करने लायक है। ये वर्सेटिलिटी इसका क्षमता योग्यता हुआ। अगला होता है कंप्यूटर परफॉर्म्स नंबर ऑफ टास्क इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में हम लोग लगभग एक या दो काम करते, दो काम तो नहीं लेकिन एक काम कर लेते हैं लगभग। कोई स्टूडेंट बता रहे थे हमें कि दो काम कर लेते हैं सर, गाना भी सुन लेते हैं और पढ़ाई भी कर लेते हैं। तो ये सब बात अपवाद में होता है, ऐसा कंसंट्रेट नहीं करते हैं हम लोग, गाना भी अच्छा से नहीं सुन पाते, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं करता, कंप्यूटर एकदम 100% काम करता है। दोनों जितने भी टास्क परफॉर्म नंबर ऑफ टास्क, मतलब बहुत सारे कामों को एक सेकेंड में करता है और सही सही करता है। हम लोग से मिस्टेक हो सकते हैं लेकिन कंप्यूटर से ऐसा नहीं हो सकता है। ये इसका क्षमता है, वर्सेटिलिटी है। चलिए अगला देखते हैं डिलीजेंस। तो डिलीजेंस का मतलब देखते हैं कि डिलीजेंस के मतलब क्या है, पहले समझिए, इसके बाद समझ में आएगा आपको कि कंप्यूटर परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड यानी डिफिकल्ट एंड रिपीटेशन रिपीट वाले टास्क वेरी वेल। कोई भी काम कितने भी डिफिकल्ट हो और रिपीट करने वाला हो उसको आसानी से कर लेता है। तो कहने का मतलब ये इसका एबिलिटी है ना, करने का क्षमता है, कैपेसिटी है इसका। अगला पॉइंट देखिए, फिर समझिए इसको पहले। कंप्यूटर्स परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट एंड रिपीटेटिव होता है रिपीटेशन टास्क वेरी वेल। जो भी काम करने रिपीट करने वाला हो तो आसानी से कर लेता है, और डिफिकल्ट काम जो होता है उसको भी आसानी से कर लेता है। हम लोग को मल्टीप्लाईकेशन करने में दो डिजिट या थ्री डिजिट का रहता है तो आसानी से हो जाता है, लेकिन फोर डिजिट और फाइव डिजिट का होता है तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। अगला दिखाते हैं, अगला पॉइंट होता है द इफिशियंसी कैपेसिटी। मतलब इफिशियंसी जो है कैपेसिटी होता है। तो इफिशियंसी कैपेसिटी जो है ऑफ ए कंप्यूटर डज नॉट डिक्रीज विथ एज। कहने का मतलब है इसका कैपेसिटी जो है एज के साथ डिक्रीज नहीं होता है। आज अगर ये 10 GB अगर ये स्टोर करता है, कंप्यूटर्स मेमोरी जो साइज जो होता है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अगर ये 10 GB अगर ये स्टोर करके रखता है तो आने वाले समय में 10 GB ही स्टोर करेगा। लेकिन हम लोग में क्या होता है, ह्यूमन लोगों को क्या होता है, मानव के साथ अगर आज 10 रोटी खाता है तो आने वाले समय में 2 रोटी भी खा सकता है, 10 रोटी नहीं खा पाएगा क्योंकि उसका क्षमता कम हो जाता है। तो ये इसका खूबी है,
कि क्या होता है कि द इफिशियंसी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर डज नॉट डिक्रीज विथ एज। जैसे जैसे ये अगर 10 साल हो जाएगा कंप्यूटर का आपका, तो इसका काम और स्टोरेज जो स्टोर करने का क्षमता हो कभी डिक्रीज नहीं होगा, कैपेसिटी कभी कम नहीं होगा। जो काम कर रहा है वही काम करेगा, जितना स्टोर करता है उतना ही स्टोर करेगा, चाहे 10 साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए या लाइफ टाइम हो। ये जब तक ये रहेगा, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, तब तक जब तक आप काम कर सकते हैं तब तक इसमें आप स्टोर करके रखेगा इसको, और जैसा रखता है अभी नया में रखता है वैसे भी पुराना में रखेगा, इससे कोई माने मतलब नहीं है पुराना या है, इसलिए हम लिखा हुआ है नॉट डिक्रीज विथ एज। अब आप लोग को दिखाते हैं, इस समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को दिखाते हैं अगला पॉइंट कि व्हाई डू वी यूज कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं। तो अभी आप लोग जो पढ़े कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंप्यूटर, इतने से आपको समझ में आ गया कि कंप्यूटर को हमें क्यों यूज करना चाहिए। ये आसानी से समझ में आ गया होगा क्योंकि इसके स्पीड है, स्टोरेज कैपेसिटी है, एक्यूरेसी है, वर्सेटिलिटी है, डिलीजेंस है, कार्य करने की योग्यता है, क्षमता है, इसलिए हमें कंप्यूटर का यूज करना चाहिए। विशेषता सही समझ में आ गया हो, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं, हम लोग का अगला टॉपिक जो पढ़ना है इसमें कि व्हाई डू यू यूज कंप्यूटर। तो बहुत सारे पॉइंट्स से लिखे हुए वो सेंटेंस, तो थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं क्यों करना चाहिए। तो व्हाई डू वी यूज कंप्यूटर का आंसर सबसे पहले हम आप लोग की सुविधा के लिए लिखे हैं कि वी यूज कंप्यूटर्स बिकॉज कंप्यूटर्स मेक आवर वर्क इजियर इन एनी फील्ड, एक फील्ड में नहीं बहुत प्रकार कोई भी फील्ड में। सो वी यूज कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है हमें कोई भी काम को क्या करता है, आसान बना देता है, क्या करता है, आसान बना देता है कोई भी फील्ड में, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, गाना सुनने के लिए हो, मूवी देखने के लिए हो, ऑनलाइन काम करने के लिए हो, कोई भी काम करने के लिए हो, कोई भी काम में इजी कर देता है काम को, इसलिए सो वी यूज कंप्यूटर, इसलिए हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। जैसे घर पर हम लोग कोई भी काम करते हैं, किसी भी जानकारी लेने के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, स्कूल में भी फी भरने के लिए, एग्जाम देने के लिए हो जाता है, क्लास लैब में कंप्यूटर लैब में हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद होता है ऑफिस में काम होता है, ऑफिस में बहुत सारे काम होता है, दुकान में भी ऑनलाइन सामान देने के लिए, लेने के लिए, भेजने के लिए होता है, मंगवाने के लिए होता है ना। तो ये सब है, बैंक में भी काम होता है, पैसा निकालने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए, और भी इंफॉर्मेशन के लिए भी बैंक में काम होता है। तो कंप्यूटर का यूज़ बहुत जगह होता है और हम बहुत फील्ड में करते हैं, हर फील्ड में करते हैं, कोई भी फील्ड में करते हैं, और आसानी से हो जाता है काम, इसलिए हम लोग को कंप्यूटर यूज करना चाहिए। अगला पॉइंट मैंने स्टार करके बताया है आपके अकॉर्डिंग के लिए, आपकी सुविधा के लिए, इसको भी माइंड रखिएगा, आपके बुक में नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। देयर आर ऑल्सो मोर अदर्स फीचर्स, एक फीचर है और भी फीचर्स, ये तो मैं थोड़ा सा बताया था कि काम इजियर होता है, और भी फीचर्स है ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का। सो वी नीड टू यूज कंप्यूटर, इसलिए हम लोग को कंप्यूटर यूज करना चाहिए। तो बताते हैं, देखिए सबसे पहले क्या, लाइक, पला ये एग्जाम्पल है, लाइक का एग्जाम्पल मतलब, लाइक का मतलब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, लाइक भी लिख सकते हैं। लाइक जैसे बताते हैं, कंप्यूटर इज अ हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग, ये बहुत फास्ट करता है। पर दूसरा पॉइंट हो गया, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन, ये अपने आप काम करता है, बस इसमें इनपुट दीजिए काम करना स्टार्ट। थर्ड पॉइंट, इंस्ट्रक्शन सिर्फ देना है, मतलब है ना, अपने आप थोड़ी काम करो, रॉबर्ट थोड़ी जो है कार्य करने लगे, कंप्यूटर है, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन, बस इसमें थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना ही पड़ता है, काम करेगा। अगला पॉइंट होता है कि कंप्यूटर एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, इनपुट के तरफ डेटा लेता है, प्रोसेस इट बाय डूइंग सम शॉर्ट मैनिपुलेशंस, मतलब थोड़ा सा अपना काम करता है, मैनिपुलेशन अपना जो प्रक्रिया है प्रोसेस करना उस करता है, एंड प्रोड्यूसेस द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एज आउटपुट, आउटपुट के रूप में जो हमें उम्मीद होती है, जैसा उम्मीद होता है वैसा ये रिजल्ट देता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जैसा हमें चाहिए, जैसा उम्मीद होता है वैसा आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो ये था तीसरा। अगला पॉइंट देखिए, कंप्यूटर कैन यूज एनी टाइम एनी वेयर बाई एनी बॉडी, एनी बॉडी मतलब सिर्फ पर्सन, नॉट नॉन लिविंग थिंग इसको यूज नहीं कर सकते, याद रखिएगा इसको। कंप्यूटर कैन यूज एनी टाइम एनी वेयर एनी बॉडी बाई एनी बॉडी, किसी के द्वारा भी यूज किया जाता, बट वो पर्सन होना चाहिए, यूज करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब यूज ही नहीं करने वाला हो तो कैसे यूज करेगा। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर कैन यूज एनी टाइम, किसी भी समय, एनी वेयर, कहीं भी, बाई एनी बॉडी, किसी के द्वारा, वो पर्सन होना चाहिए, लिविंग होना चाहिए। चलिए, तो ये था आप लोग, और भी हो सकता है पॉइंट, लेकिन ये क्लास 3 के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर क्लास, आई हैव रिटन ओनली 4 पॉइंट्स, हियर इज 4 पॉइंट्स, और भी पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए, ये 4.5 पॉइंट यहाँ था, और ये 4 पॉइंट, इतना बहुत सारा है आप लोग को याद रखने के लिए, याद रखिएगा। तो आई थिंक दैट कि आप सभी को समझ में आ गया होगा इतना, अगर कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो जरूर पूछिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर सेकेंड क्लास, थैंक यू, सी यू अगेन नेक्स्ट डे, आई विल स्टार्ट हाउ डज कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर कैसे काम करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए, लर्न एंड राइट ऑल थिंग्स जितना मैंने बताया आज, उसको लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। सी यू सून, फॉर टिल देन बाय बाय, थैंक यू। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सभी से कि ना लाइक कीजिएगा ना कमेंट कीजिएगा, ना लाइक कीजिएगा ना कमेंट कीजिएगा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।